क्या आप भी कंफ्यूज हो कि ये क्रिकेट बैट ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बाय अ क्रिकेट बैट ऑनलाइन या ऑफलाइन। और यार वीडियो शुरू होने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। सब्सक्राइब आप जितना ज्यादा जल्दी से करोगे उतनी ही तेजी से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। हर एक क्रिकेटर की एक इच्छा होती है कि वो एक अच्छा क्रिकेट बैट ले पाए, तो इसी के लिए हम एक वीडियो लेके आ गए हैं दोस्तों। मैं हूं गगन सांगवान, आपके साथ क्रिकेट कार्डियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें एक क्रिकेट बैट लेना है, सबसे पहले आपके मन में दो चीजें आती हैं, उसे ऑनलाइन ले या ऑफलाइन। ठीक है, अगर हम वहीं पे आप ऑनलाइन की बात करेंगे, हम कुछ ऑनलाइन के एडवांटेजेस की बात करेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, और फिर ऑफलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की बात करेंगे। अब दोस्तों हम ऑनलाइन की बात करेंगे, इसकी एडवांटेजेस हमारे पास क्या आती है कि घर बैठे बैठे आपका सामान आप तक पहुंच जाता है। आजकल के कोरोना के टाइम में आप क्योंकि ऑफलाइन जाके तो दुकान से खरीद नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम हो जाता है हमारे पास कि घर बैठे बैठे आप मोबाइल से स्क्रॉल करके जो भी आपको पसंद आ रहा है उसके थोड़े बहुत रिव्यूज चेक कर लिए, आपको पसंद आया, बजट बजट में भी है तो आप ऑर्डर कर देते हैं, और वो कुछ चार पाँच या कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, छः सात दिन भी लग जाते हैं, तो वो आपके घर पर आ जाता है। तो एक तो ये एडवांटेज होती है, और फिर दूसरी एडवांटेज हमारे पास आती है प्राइस की, क्योंकि ऑनलाइन में जितना भी देखा गया है प्राइस काफ़ी वैरी करता है। ठीक है, तो अब हम ऑनलाइन के डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। ऑनलाइन की डिसएडवांटेजेस में आपके पास आती है फ्रॉड, क्योंकि मतलब क्या होता है, आपको बैट दिखाया जाएगा, बैट की फ़ोटो अच्छे से मतलब इतनी अच्छे क्लियर फोटोज़ नहीं होती हैं, बस वो कहीं से भी नेट से उठा के आपको फोटो डाल देते हैं उसमें, और फिर आप देखते हो अरे यार ये तो बिल्कुल विराट कोहली जैसा बैट लग रहा है, ये तो बिल्कुल केएल राहुल जैसा बैट लग रहा है, ये तो मैं खरीद लेता हूँ, इतने सस्ते में मिल रहा है मुझे। बट वो कभी कभी क्या होता है, आपके पास बैट घर तक आता है, फिर आप अपने आंखों से सामने मतलब आंखों के सामने आप बैट को देखते हो, पकड़ते हो, तो फिर वो फील नहीं आती आपको। तो एक ये डिसएडवांटेज, काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑनलाइन का। तो उसके बाद आती है हमारी क्वालिटी की बात। क्वालिटी में मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको बताएंगे कि ये मतलब जैसे मान लो रोहित शर्मा का बैट दे रहा है कोई सीएट वाला, तो वो बोलेंगे कि ये ऐसे रोहित शर्मा का एडिशन बैट है, ये है वो है, बट ऑफलाइन में उसका कुछ प्राइसिंग होगी 25 से 30 हज़ार, और ऑनलाइन में आपको मिल रहा होगा 2 से 3 हज़ार के बीच में। देखो ऐसे कोई भी बिजनेस नहीं चलता है कि कोई भी मतलब इतना मार्जिन कट करके आपको इतने रुपये में बैट दे दे, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा। या तो उसकी वुड में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी क्या करते हैं मतलब जैसे किसी कंपनी ने बैट बनाए, बैट उनने चार पांच बैट बनाए हैं, पांच बैट बनाए हैं, मान लो पांच बैट टोटल बनाए हैं, उनमें से चार बैट की अच्छी क्वालिटी है, तो चार बैट जिनकी अच्छी क्वालिटी है वो ऑफलाइन स्टोर्स में भेज देते हैं, बाकी जो फिफ्थ बैट है उसके कहीं से वुड कटी हुई है या फिर कुछ डेंट वेंट है, तो वो अपना प्राइस कट करके आपको फिफ्थ बैट ऑनलाइन में शो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि मतलब 25 से 30 हज़ार का बैट आप सीधा 2 से 3 हज़ार में आप ले पाओगे। एक तो आप ये वहम अपने मन से मिटा लेना। तो ये तो थी दोस्तों ऑनलाइन की बातें, अब हम बात करते हैं ऑफलाइन की। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें क्योंकि लास्ट में बहुत ही अच्छा आपको सजेशन देने वाला हूं। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है क्वालिटी का, क्योंकि आप ऑफलाइन में शॉप से लेने जाओगे, आपके सामने बैट लग रखे हैं, तो आप कोई भी अपने मर्जी से जो भी आपको बैट दिखने में या फिर जो भी जिसकी भी वुड आपको पसंद आ रही है आप उठा के चेक कर सकते हो, उसे उसकी कितनी ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स चेक कर सकते हो, उसका कर्व चेक कर सकते हो, और उसका वेट भी चेक कर सकते हो। एक जो वो होता है ना बचपन में यार कि मतलब स्पोर्ट्स की दुकान में जाने का अलग ही मज़ा होता है, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं जब छोटा था मैं भी मतलब मेरे पापा लेके जाते थे तो मेरा भी बहुत मन करता था शॉप में जाके खुद से अपने हाथ से मतलब एक एक चीज़ जो भी मैंने आज तक खरीदी है वो मैंने ऑलमोस्ट ऑफलाइन ही खरीदी है, काफ़ी कम ऑनलाइन खरीदी है। और यहीं पे अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेज अभी रिसेंट ये कोरोना की वजह से आ रहा है कि मतलब काफ़ी सारे लोग घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कई सिटीज़ में अभी भी लॉकडाउन है तो वो शॉप तक नहीं जा पा रहे हैं।
और फिर सेकंड पॉइंट आपके पास आता है कि मतलब आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन तो नहीं कहूंगा मैं, आधा दिन चला जाता है क्योंकि आप शॉप तक जाओगे। शॉप में जाने के बाद किसी का मन नहीं करता क्योंकि शॉप इतनी अच्छी लगती थी मुझे। मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहीं मतलब मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकता था। तो शॉप में अगर आप जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम वहाँ पे लग सकता है क्योंकि एक एक चीज़ आप देख के लोगे। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपको अपना जो भी आप बैट ले रहे हो वो ऑनलाइन लिया जाए या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों अब मैं आपको अपना सजेशन बताऊंगा, जिनके भी आसपास मतलब वो मतलब शॉप से लेके ऑफलाइन जाके अपना सामान ला सकते हैं तो बिल्कुल आप वही कीजिए। अपने हाथों से अपना हर एक चीज़ खरीदिए, अपना मतलब महसूस कीजिए उसका क्या वेट है, कैसा क्या बैलेंस है, एक एक चीज़ देख के लेके आइए। क्योंकि एक क्या होता है कि अगर आप एक ही टाइम में इन्वेस्टमेंट अच्छी कर दो तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अगर आप मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें लेके आओगे, मतलब बैट थोड़ा सस्ता ले लिया एक मतलब 500 या 1000 रुपये के चक्कर में, क्योंकि इंग्लिश विलो बैट बहुत मतलब काफ़ी महंगे आते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग ही आपकी 6 या 7 हज़ार से होती है अच्छे इंग्लिश विलो बैट की। तो अगर आप कश्मीर विलो बैट के लिए जाना चाहोगे, मतलब जिसकी प्राइसिंग होगी 2000 या 3000, तो ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। इसमें क्या होगा कि मतलब इतना ज़्यादा वैरी नहीं करेगा प्राइस, क्योंकि इसकी क्वालिटी वैसे ही कश्मीर विलो की इंग्लिश विलो से कम होती है। तो अगर आप कश्मीर विलो बैट लेने जा रहे हो तो वो आप बिल्कुल डेफिनेटली ऑनलाइन ले सकते हो। उसके लिए आप ऑफलाइन जाओगे आपका पूरा दिन ख़राब होएगा। मतलब ये उन लोगों के लिए सजेशन है जो मतलब टेनिस बॉल खेलते हैं और जिनकी अभी अभी क्रिकेट में स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या होता है कश्मीर विल्लो बैट से ही स्टार्टिंग होती है। तो इंग्लिश विल्लो बैट जो भी खरीदना चाहेगा मैं उसे स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि वो ऑफलाइन ही ले जाके। और अगर मान लो अगर आप ऑफलाइन जाके कैसे कोई भी रीज़न है नहीं ले सकते, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इंस्टाग्राम, इन तीनों में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इंस्टाग्राम पे जो मतलब ऑफिशियल अकाउंट्स है, जैसे SG का है, SS का है ऑफिशियल अकाउंट, और भी कुछ डीलर्स हैं जो बैट्स देते हैं, उनके रिव्यूज़ और वो सब पोस्ट चेक करके आप उनसे मंगवा सकते हो, और उनकी रिटर्न पॉलिसी ज़रूर देखना। तो ये मेरे सजेशन थी आज की इसके लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बताइए। क्योंकि मेरा बैट, मेरे जो भी सामान है, मैं मोस्टली 90% ऑफलाइन लेता हूँ। तो दोस्तों यही था मेरा सजेशन, और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आने वाली वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक बैट कैसे चूज़ किया जाता है, कश्मीर विल्लो बैट कैसे चूज़ किया जाता है, इंग्लिश विल्लो बैट कैसे चूज़ किया जाता है, मतलब कंपेयर करके भी बताऊंगा, अलग अलग बैट्स का रिव्यू भी करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बहुत कुछ प्लानिंग है मेरी आगे तक की। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।